लखनऊ में अलीगंज वाले हनुमान जी का मंदिर, जो मांगो सब मिलता है यहाँ, ऐसा वो लोग कहते हैं जिनको मिल जाता है। जिनको नहीं मिलता वो नहीं मानते, वो कोई दूसरा मंदिर ढूंढ लेते हैं। एक ना एक दिन या तो मंदिर मिल जाता है या फिर वो इच्छा ही मर जाती है। मंदिर जाना ईश्वर के होने न होने से ज्यादा बड़ी चीज है। जैसे विश्वास पहले होना और फिर बाद में उस विश्वास का सच हो जाना, जैसे बच्चे का माँ की महक से पहला रिश्ता बनना, फिर कुछ साल के बाद जानना कि ये महक ही माँ है। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक कहानी लेकर आया हूं खिलौना, जिसको लिखा है नो डाउट दिव्य प्रकाश दुबे जी ने उनकी बुक आको बाको से। तो कहानी शुरू करता हूं। कहानी आगे कुछ इस प्रकार है कि देखिए, ये कहानी अलीगंज वाले हनुमान मंदिर की नहीं है, बल्कि उसके पास से निकलने वाले एक चौराहे पर लगे हुए पीपल के पेड़ के पांडा रुद्र नारायण की है। जी हाँ, रुद्र नारायण कहाँ के हैं और इस पेड़ के नीचे ये मंदिर कब से है, किसी को कुछ नहीं पता। उनके बैठे होने से कब एक पत्थर से दो पत्थर हुए और कब एक दिन उस पेड़ के नीचे एक छोटा मोटा मंदिर हो गया, किसी को कुछ नहीं पता। एक दिन सुबह वो इस पेड़ पर आकर बस गए और बस यहीं के होके रह गए। कोई उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। कुछ दिनों में सब उनको पहचानने लगे। रुद्र नारायण जी की एक खास बात थी, वो ये कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। लोग अपनी समस्या सुनाते, वो मुस्कुरा देते, आसमान में देखते हुए सामने वाले से कह देते, बोल दिया है, काम हो जाएगा। जिसका काम हो जाता वो आकर पैर में गिर जाता। न कभी कोई मंत्र पढ़ा, न कोई पूजा बताई, बस मुस्कुराकर कंधे पर हाथ रख देना। ये इतना आसान था, इतना आसान था कि लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि पंडित जी कुछ करते भी हैं या नहीं। उनको लगता कि पंडित जी का ऊपर वाले से कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। पुरानी कई किताबों में लिखा है कि मुस्कुराकर समस्या हल की जा सकती है, लेकिन लोग आसान बातें मानते कहां हैं। आंसू, मुस्कुराहट, ओस, हंसी, गुदगुदी और स्पर्श जैसी आसान बातें अब लोग मानते नहीं है, और ना ही अब इन सब चीजों पर लोगों का यकीन ही रहा है। ऐसे ही जिन लोगों का काम होता गया वो रुद्र नारायण जी को कुछ ना कुछ देते गए। वो कभी किसी से पैसे नहीं मांगते थे, पर हाँ अगर कोई देता तो वो मना भी नहीं करते थे। दुनिया में रहकर भी वो ऐसे रहते कि उनकी वजह से ये दुनिया डिस्टर्ब ना हो जाए। ज्यादा किसी से बात करते उनको देखा नहीं गया है। किसी ने पास में घर दे दिया तो वहीं रहने लगे। खाना कोई ना कोई दे ही जाता है। सुबह सुबह नहा धोकर वो आकर मंदिर में बैठ जाते। जो कोई आता उसको बस एक ही चीज बोलते हैं, काम हो जाएगा। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको उन्होंने ऐसा बोला हो कि काम नहीं होगा। अब इसी पीपल के पेड़ के पास एक चाय की दुकान थी जिसमें छोटू काम करता था। मंदिर से निकलते हुए लोगों को देखकर उसका मन भी करता कि वो भी भगवान से कुछ मांगे। उसके पास मांगने के लिए इतना कुछ था, लेकिन जब मंदिर में जाता तो उसको समझ ही नहीं आता था कि वो शुरू कहां से करे। भाई इतना कुछ जो था मांगने के लिए, अगर सही में भगवान सामने ही आ जाए ना, तो ज्यादातर लोग कुछ भी मांग ही नहीं पाएंगे। दुकान पर वो दिन भर गाली सुनता था। एक दिन वो मंदिर जाकर बैठ ही गया कि आज तो बिना कुछ मांगे मंदिर से नहीं जाएगा। उसको मंदिर में बैठे हुए बहुत देर हो गई। इतने में उसका मालिक आ गया और उसने मां की गालियां दी। छोटू ने तुरंत ही भगवान से ये मांग लिया कि भगवान मेरी मरी हुई मां को कोई ना गाली ना दे। छोटू अपने बाप से नाराज है, इसलिए कभी घर नहीं जाता है, यही मंदिर के पास वाले पेड़ के नीचे सो जाता है। रुद्र नारायण ने उसको कभी भगाया भी नहीं। भगवान पर उसकी बात का कोई असर होता उसको दिख नहीं रहा था। रोज गालियां वैसे ही पड़ रही थी। ऐसे ही जब एक दिन गाली सुनकर वो मंदिर में आकर बैठा तो रुद्र नारायण जी से पूछा, काम कब होगा बाबा? बाबा हंसे और आसमान की तरफ इशारा करके बोले, बोल दिया है, हो जाएगा। बच्चा बोला, कब सुनेंगे, इतने दिन तो हो गए हैं। हाँ बताइए बाबा, कब सुनेंगे भगवान? उस दिन किसी की मंशा पूरी हुई थी तो वो बाबा के लिए खाना लेकर आया था।
बाबा ने पूछा, खाना खाओगे? बच्चा कोई जवाब देता इससे पहले बाबा खाना लगा चुके थे। बच्चे ने पेट भरकर खाना खाया। बाबा पूरे समय मुस्कुराते रहे। खाना खाने के बाद बच्चे ने पूछा, आप क्या मांगते हैं भगवान से? मैं कुछ नहीं मांगता। क्यों, आपको कुछ नहीं चाहिए? बच्चे ने बताशा खाते हुए पूछा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हाँ, लेकिन मेरे पास सब है, तो कुछ मांगकर क्या फायदा? बाबा ने चबूतरे पर से सामान समेटते हुए कहा। बच्चे ने बोला, भगवान होता है बाबा? बच्चे के सवाल रुक नहीं रहे थे। खाली पेट इतने सवाल नहीं थे, पेट भरते हुए वो एक के बाद एक सवाल पूछ रहा था। बाबा मुस्कुरा दिए। बताइए ना, कोई है आसमान में? बच्चा बिना जवाब सुने हिलने वाला नहीं था। सच बताऊं, बच्चे को इस दुनिया के सबसे बड़े सवाल का अब जवाब मिलने वाला था। आसमान में कोई भगवान नहीं है। बच्चे को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। और मंदिर में? वहां भी नहीं है। फिर आप जो सबको कहते हैं कि बोल दिया है, किसको कहते हैं? बाबा मुस्कुराकर बोले, कल के लिए भी छोड़ दो कुछ, हाँ, या आज ही सब कुछ जान लोगे। अगले दिन सुबह सुबह लखनऊ विकास प्राधिकरण की गाड़ी आई और अधिकारियों ने मंदिर को वहां से हटा दिया। कुछ लोगों ने विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि सड़क पर अवैध मंदिर नहीं हो सकते। ये सब कुछ बाबा की आंखों के सामने हुआ। वो पास खड़े मुस्कुराते रहे। आसपास के कई लोग तमाशा देख रहे थे। बच्चा बाबा को देख रहा था। वो दुकान से एक कुल्हड़ चाय बाबा के लिए लेकर आया। बाबा ने बड़े ही प्यार से वो चाय पी। कुल दो घंटे में ही सब कुछ समतल हो चुका था। आसपास के सैकड़ों लोग, जिनका काम उस मंदिर से पूरा हुआ था, उनको अब एक नया मंदिर ढूंढना था। कुछ लोगों ने नेतागिरी भी करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वैसा संभव नहीं हुआ। बाबा ने अपना झोला उठाया और धीरे से वहां से चल दिए। बच्चा दुकान छोड़कर उनके साथ चल दिया। अब कहां जाएंगे बाबा? तुम वापस जाओ बच्चा, घर वाले परेशान होंगे। बाबा ने झोले से प्रसाद निकालकर उस बच्चे को दिया। अच्छा बाबा, जाने से पहले ये तो बता दीजिए, भगवान कहां है? बच्चे ने मासूमियत से पूछा। बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, भगवान अंदर है बेटा। बच्चे को जवाब समझ नहीं आया। इससे पहले बाबा कुछ बोलते, बच्चा बोला, ये मत कहना कि बड़े होकर समझ में आ जाएगा। बाबा मुस्कुराकर बोले, बड़े लोगों से भगवान खो जाता है, जैसे बच्चों से खिलौना खो जाता है। बच्चा बाबा को पकड़कर बहुत देर तक रोता रहा। बाबा ने उसे चुप नहीं कराया। जब बच्चा चुप हो गया, तब बाबा ने कहा, अब जाओ बच्चा, अब जाओ। बच्चा जब दुकान पहुंचा तो मालिक ने उसे उस दिन गाली नहीं दी। बच्चा गाली का इंतजार करता रहा। चाय की दुकान पर लोग मंदिर के तोड़े जाने को लेकर सरकार को गालियां देते रहे। बच्चा दिन भर लोगों की बातें सुनता रहा। उसको विश्वास हो गया था कि भगवान सही में होता तो मंदिर कैसे टूटता। बच्चे को यह विश्वास हो गया कि उसने जो कुछ मांगा था वो अधूरा रह जाएगा।